दर्जी की पिटाई को लेकर जमकर लगा पुलिस के खिलाफ नारे। खबर फूलपुर थाना क्षेत्र के करखिया गांव के NH56 मार्ग पर पुलिस द्वारा एक दर्जी की पिटाई को लेकर पुलिस के खिलाफ जमकर लगे मुर्दाबाद के नारे। बताते चले, जौनपुर मकरा निवासी बशीर अहमद एक कपड़ा सिलने का दुकान फूलपुर में चलाते हैं, जिनका 4 दिन पहले फूलपुर के सिपाही अनुराग यादव तथा अजय से शराब पीने को लेकर कहा सुनी हुई थी, जिसको लेकर सोमवार दोपहर 2 बजे फूलपुर थाने के 2 सिपाही अनुराग यादव तथा अजय अपने मित्र सिपाही आनंद व विपुल जो जौनपुर जलालपुर थाने में तैनात हैं, उनको लेकर बशीर के दुकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने बशीर और उसके लड़के को यह कहकर उठाए कि तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज किया गया है, इसलिए तुम अभी मेरे साथ करखिया चौकी पर चलो। इतना सुनकर बशीर और उसका लड़का चौकी पर गया, जहां चारों सिपाहियों ने उसकी जमकर पिटाई कर 4 बजे करखियाब बॉर्डर के पुलिस बूथ के सामने NH56 नेशनल हाईवे पर फेंक दिया है। फिर परिवार के लोग करखियाब चौकी पर सिपाहियों के खिलाफ तहरीर देकर पीड़ित को इलाज के लिए एक निजी हॉस्पिटल पर ले गए, जहां हॉस्पिटल के द्वारा प्रथम इलाज करके छोड़ दिया गया। नारेबाजी लगभग 8 बजे तक चली। वहीं सूचना पर पहुंचे फूलपुर इंस्पेक्टर दुर्गेश मिश्रा ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया, कहा कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी, कृपया आप लोग पीड़ित को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराएं। इस मौके पर किसान यूनियन लोक शक्ति के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, मोहम्मद सफी, लियाकत अली समेत कई लोग उपस्थित थे। स्टार 7 TV न्यूज के लिए संदीप मोदनवाल की रिपोर्ट।